ये आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का दूसरा वीडियो है, और इस वीडियो पे हम लोग जो एक्सरसाइज है 13A जो अपने पास बुक है उस एक्सरसाइज पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 16 से लेके 30 तक। तो अंत तक बने रहिएगा, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप कहीं से भी देख सकते हो। तो हम लोग 16 से लेके 30 तक देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 16 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यदि आप इससे पहले यदि बाकी 15 क्वेश्चंस लगाए होंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा, कुछ है नहीं, इस पर दम है ही नहीं। आप कॉस को आप मान लो टी, आप साइन को नहीं मान सकते हो टी, क्यों? क्योंकि आप साइन को जब मानोगे तो ये रूट कॉस एक्स नहीं कटेगा, बट आप जब कॉस को आप टी मानोगे तो ये साइन एक्स कट जाएगा। तो लेट लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ना, माइनस साइन एक्स और टी का डी टी बाय डी एक्स, यानी डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाय साइन एक्स होता है। ठीक, अब यहाँ से जब आगे बढ़े तो रूट कॉस क्या है ना टी है, और साइन की जगह साइन और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा ना माइनस डी टी बाय साइन एक्स, तो ये और ये कट जाएगा, यानी अंडर रूट टी माइनस डी टी, यानी माइनस को बाहर निकालो टी का पावर 1/2 डी टी, बोले तो माइनस टी का पावर 1/2 + 1/2 + 1, यानी ये फाइनली आपका और सी तो रहेगा ही, फाइनली क्या जाएगा माइनस टी का पावर 3/2 / 3/2 + c, और टी की जगह क्या है ना कॉस है, यानी माइनस कॉस एक्स का पावर 3/2 / 3/2 + c। आई होप कि आंसर भी यही होगा क्वेश्चन नंबर 16। 16 का अब जो आपका आंसर है एकदम यही है। ठीक, अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है आपका, 17 नंबर पे आपका बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - sin 1 - x² dx। ये देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं। आप साइन इनवर्स एक्स को आप मान लो टी, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे बन भी गया होगा, और नहीं बना है तो देखिए लेट लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो ये होगा क्या, ये होगा क्या डिफ्रेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये जो हो जाएगा आपका 1/√1 - x² dt/dx, यानी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा √1 - x² dt। अब क्या है ना, इस पे आप रखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बोले तो टी डिवाइडेड बाय √1 - x² और ये डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा √1 - x² dx, ये और ये कट जाएगा, यानी टी और डी एक्स की जगह, सॉरी यहाँ पे क्या होगा ना डी टी होगा, टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² / 2 + c, और t की जगह क्या है ना आपका साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + c, ये हो गया आपका आंसर। ये आपका 17 नंबर आंसर मिला लेता हूँ मैं, तो 17 का एकदम सही है। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आपका बोल क्या रहा है देखा जाए, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दिखने में जरा सा बड़ा है 18 नंबर, बट है बहुत ही आसान 18 नंबर। दिखता हूँ क्या लिख रहा है इस पे 18 पे। हाँ, ये है आपका साइन 2 tan inverse x / 1 + x² dx, ये है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। 2 tan inverse x को आप मान लो t, तो देखो होगा क्या,
लेट 2 tan inverse x = t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा ना 2 × 1/1 + x² dt/dx, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + x² dt/2। अब यहाँ पे रख दीजिए आप, तो देखिए इस चीज को आप लिख सकते हैं साइन, और 2 tan inverse को हम क्या माने हैं ना t माने हैं, तो t डिवाइडेड बाय 1 + x², और dx की जगह लिख सकते हैं 1 + x² dt डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कट जाएगा, यानी 1/2 sin t dt हो गया। बस आप इसे इंटीग्रेट कर दो, यानी 1/2 sin t का जो इंटीग्रेशन होता है cos t + c, और t की जगह क्या है ना ये, यानी -cos 2 tan inverse x / 2 + c, और आई होप के आंसर भी यही होगा। तो देख लेता हूँ 18 का जो आंसर है एकदम यही है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका एकदम हलवा है। क्वेश्चन नंबर 19 भी जो है ना वो बहुत ही हलवा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल क्या रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos log x by x dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप log x को मान लो t, आप क्या करो ना log x को लेट log x = t, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 1/x dt/dx, क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी dx = x dt। बस अब cos log x कितना है ना t डिवाइडेड बाय x, और dx इक्वल टू क्या है ना x dt, ठीक है, ये और ये क्या कट गया, यानी cos t dt, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है ना साइन, ये क्या हो जाएगा ना sin t + c, और t कितना है ना log x, यानी sin log x + c, ये आपका हो गया आंसर, ये 19 हो गया। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन पे है क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आपका बोल रहा है cosec² log x / x। ये भी क्वेश्चन आसान है, ये भी क्वेश्चन जो है ना आसान है, मेरे ख्याल से आप बना लोगे। देखता हूँ cosec² log x / x dx, आप यहाँ पे क्या करना log x को मान लेना t, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा cosec² t dt पे, ये हो जाएगा, उसके बाद इसका तो जानते ही -cot t + c, और t की जगह रख देना log x, बन जाएगा। अब देखिए 21 भी आपका हलवा है क्वेश्चन, 21 में भी कोई दम नहीं है। तो देखिए 21 पे बोल क्या रहा है, 1/x log x dx, आप यहाँ पे क्या करो ना log x को आप t मान लो, लेट log x = t, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी 1/x = dt/dx, यानी dx = dt × x। बस हो गया सॉल्व, 1/x log को क्या माने हो ना t इंटू dx क्या जाएगा ना dt/x, सॉरी d2 × x, ये और ये कट गया, यानी dt/t हो गया। अब ये क्या हो जाएगा ना log mod t + c, यानी log mod t, t कितना है ना log x, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा log x + c, आई होप कि आंसर यही होगा। तो 20 क्वेश्चन नंबर 21 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 21।
तो ये जो है आपका 21 का आंसर भी वही है। अब देखिए 22, 22 देखने में बड़ा है बट है आसान। 22 है ना, देखने में बड़ा है बट है आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ है आपका एक्स प्लस वन, उसके बाद है आपका एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डीएक्स, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे कैसे। दिखने में बड़ा है, दिखने में बड़ा है बट जरा गौर से देखोगे ना, तो इस चीज को आप टी मान लो, इस चीज को आप क्या मान लो ना, टी। तो बाद बाकी ये और ये कट जाएगा, यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है ना तो ये और ये कट जाएगा। तो लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी 1 + 1/x इक्वल टू dt/dx, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 + x dx। इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, 1 + इसको लिख सकते हैं x x+1, ठीक है ये कर दिए, ये क्या हो गया इधर dt होगा। जब ये चीज आया अपने को, ये चीज जब मिला तो होगा क्या, देखो x+1/x इंटू ये क्या हो जाएगा ना टी का स्क्वायर, और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए dx की जगह क्या हो जाएगा x/x+1 dt, यानी ये और ये, यानी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, यानी फाइनली t³/3 + c, यानी टी कितना है ना ये, यानी x+log x³/3 + c, यह है आपका आंसर। तो ये आपका हो गया 22 खत्म। अब देखिए 23 पे बोल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे बोल रहा है आपका, ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ दम है ही नहीं इस पे। 23 log x बाई एक्स और log x का स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन। करोगे क्या इस पे, करोगे क्या? हाँ आप log x को आप मान लो t, log x को आप क्या मानो ना t, तो उसे जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये x जो है ना कट जाएगा। देखते हैं, लेट log x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी 1/x इक्वल टू dt/dx, यानी dx इक्वल टू एक्स dt। जब ये आ गया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, यानी टी का स्क्वायर इंटू एक्स, और dx से क्या जाएगा ना एक्स dt, यानी ये और ये कट गया, यानी t² dt, यानी फाइनली क्या जाएगा ना t³/3 + c, क्यों ना x^n dx इक्वल टू होता है x^(n+1)/(n+1)+c, ये हो गया। अब देखिए टी की जगह हम क्या माने हैं ना लॉग, टी की जगह हम क्या माने हैं ना लॉग, यानी लॉग x^(3)/(3)+c, ये हो गया आपका 23 खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं 24 की तरफ। तो देखिए 24 पे आपका बोल क्या रहा है। 24 पे देखा है तो ये भी क्वेश्चन हलवा है। 24 में है आपका cos√x/√x dx, ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, इस चीज को आप सॉल्व कैसे करोगे। लेट √x=t, यानी डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, √x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x इक्वल टू
डी टी बाई डी एक्स में सही डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ ना, आई होप सही कर रहा हूँ। ये क्या होता है ना, 1/2 x^(1/2 - 1, हाँ एकदम सही है। ये हो गया, यानी डी एक्स इक्वल टू 2√x dt। ये जब हो गया, जब ये आया, अब इसको आगे करो, इसे आगे करो, यानी cos t/√x (dx) का जगह क्या जाएगा ना, दिस 2√x dt, यानी ये और ये कट गया, यानी 2 बाहर, cos t dt। अब cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन होगा, यानी 2 sin t + c, यानी 2 sin t कितना है ना, √x + c। ये है आपका आंसर। अब देखिए 24 के बाद हम बढ़ते हैं 25 की ओर। अब देखिए 25 पे बोल क्या रहा है, 25 पे बोल क्या रहा है, ये भी क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है। 25 e^10x (sec²x dx). तो यहाँ पे देखिए, आपको यदि 10 का डिफरेंशिएशन पता है ना, तो ये आसानी से बन जाएगा। आप 10 को t मान लो तो sec स्क्वायर आएगा और sec स्क्वायर कट जाएगा। तो देखिए ऐसे अप्रोच कैसे करोगे, लेट 10x = t, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, और 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और t का डिफरेंशिएशन होता है dt/dx, यानी dx = होता है dt/sec²x। जब ये आ गया, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, e^10x यानी t, और ये sec²x, और dx का क्या हो जाएगा ना, dt/sec²x, ये और ये कट गया, यानी e^t dt, बोले तो e^t + c, और e^t कितना है ना, 10x है प्लस सी। ये है आपका आंसर, समझ लो। ये 25 हो गया। अब देखिए 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 पे हुआ है कि आपका e^cos²x (sin²x dx). यदि आपको cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना, तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए होगा क्या, आप क्या करो ना, लेट cos²x (t), डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, और cos² का जो डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x, और cos का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x = dt/dx। अब देखिए माइनस ये जो होगा, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x (cos x), बस यहाँ पे लगा दो, तो sin 2x = dt/dx, यानी dx = -dt/sin 2x। जब ये इतना आ गया, जब आपका ये इतना आ गया, तो बस अब आगे करो, e^t (sin²x), और dx का क्या हो जाएगा, -dt, क्या हो जाएगा, -dt/sin²x। ये और ये कटा, e^t (dt) - e^t + c, यानी -e t कितना है ना, cos², यानी cos²x + c। ये आपका हो गया आंसर। ये 26 खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 पे बोल क्या रहा है, हाँ ये भी क्वेश्चन एकदम हलवा है। 27 पे बोल रहा है आपका, 27 पे इंटीग्रेशन ऑफ sin(ax + b) (cos(ax + b) dx। ये भी हलवा है, एकदम हलवा है, एकदम हलवा। आप किसी को भी, आप मान लो t, यानी लेट
साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ना कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड इंटू क्या हो जाएगा ना ए डी टी बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि इसका भी जो डिफ्रेंशिएशन होगा ए एक्स प्लस बी का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन का होता है कॉस तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सिर्फ ए, यानी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ तक हो गया डिवाइडेड बाय, इसको लिखो यानी टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा ना डी टी बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये और ये कटा यानी वन बाई ए बाहर आ जाएगा टी डी टी यानी वन बाई ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, यानी टी टी की जगह कितना है ना दिस यानी साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए प्लस सी, ये है आपका आंसर। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है 28 कॉस एक्स कॉस एक्स दी पावर 3, इसका अपने को क्या करना है ना इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को ना आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, तो देखिए कॉस कॉस 3x कॉस 3x ये होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, ये होता है, समझ लो। अब देखिए इस पे करना क्या है आपको, यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है ना, तो इसको इधर लेते हैं, ये न कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स, यानी डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं ये चीज, लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया, आप यहाँ पे इस चीज को डाल दीजिए, आप यहाँ पे इस चीज को डाल दीजिए, बोलने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/4 को हम बाहर ले रहे हैं, कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स, एक ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होगी। और एक तरीका, और एक तरीका देखिए, कॉस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, उसके बाद अब हम कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी इस चीज को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। हाँ, इतना तक लिख सकते हैं, उसके बाद जब हम इसको इतना तक लिख सकते हैं, अब साइन साइन एक्स को आप मान लो टी, साइन एक्स को क्या मान लो टी मान लो, जब आप साइन एक्स को टी मानोगे, जब आप साइन एक्स को टी मानोगे तो ये कॉस कट जाएगा, ये कॉस क्या होगा ना कट जाएगा। तो देखिए मैं दोनों से आपको बता देता हूँ, ये 1/4, और देखिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस का साइन 3x, और ये 3 गुणा है तो ये 3 नीचे आ जाएगा प्लस 3 कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन x, ये हो गया, ये तो इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा ना लेट साइन x इक्वल टू टी, देखिए यहाँ पे आप इसे सजा लेना, 4 को यहाँ पे गुणा कर देना तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा जो बुक में दिया होगा मेरे ख्याल से,
ये हो गया। अब इसका इससे आप डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, कॉस कॉस डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई कॉस एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पे डालिए इसको, यहीं पे लिखो ना, हाँ कॉस एक्स इंटू वन माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं ना, डी टी बाय कॉस एक्स। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यानी फाइनली आपका जो होगा वो होगा क्या, वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यानी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, यानी टी माइनस टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, यानी टी कितना माने हो ना आप, साइन माने हो, साइन एक्स माइनस साइन एक्स का होल क्यूब बाई थ्री प्लस सी। एक तो ये आंसर हो गया और एक आपका ये आंसर हो गया, समझे, ये आपका आंसर है। तो ये आपका हो गया 28। अब देखिए 29 में क्या है आपका, तो 29 में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर ई दी पावर माइनस 1 बाय एक्स डीएक्स। देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन आसान है, कैसे देखो, तो देखो माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू ऑफ मान लो टी, अब इसे डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स का पावर माइनस वन इक्वल टू पी, ठीक ना, ये ऊपर जाएगा। तो अब इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो माइनस इंटू माइनस वन इंटू एक्स का पावर माइनस वन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्यों ना, डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू होता है एन एक्स का पावर एन माइनस वन, वही वाला फंडा यहाँ पर लगा रहे, तो क्या हो जाएगा x का पावर माइनस टू डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो वन बाई एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, या फिर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी टी, इतना लिख सकते हो। जब आप इस चीज को इतना लिख सकते हो, जब आप इस चीज को इतना लिख सकते हो, तो आप यहाँ पर डालो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर और ई दी पावर माइनस, इसको लिख सकते हैं ई दी पावर टी, और डी टी की जगह लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर डी टी, ये और ये कट गया, यानी ई दी पावर टी डी टी, ये क्या हो जाएगा ई दी पावर टी प्लस सी, और टी कितना है माइनस, यानी ई दी पावर माइनस वन बाई एक्स प्लस सी, ये क्या है आपका आंसर। आई होप कि यही होगा, 29 का आपका एकदम यही है। अब देखिए इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अपना क्या है ना लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 पे है आपका, ये भी क्वेश्चन देखा जाए ना तो सेम क्वेश्चन है, अभी जो बनाया ना उसी तरह है। 30 में बोल रहा है वन बाई एक्स स्क्वायर कोट है ना कोस है कोस वन बाई एक्स डी एक्स, सेम क्वेश्चन है, कुछ इस पर दम ही नहीं है। अब वन बाई एक्स को मान लो टी लेट वन बाई एक्स इक्वल टू टी, या फिर एक्स डी पावर वन इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स का पावर माइनस वन डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टी। अच्छा यहाँ पे वन बाई एक्स है ना, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है वही था, यहाँ पे क्या है ना आपका एक्स स्क्वायर, जब ये आया तो वन बाई एक्स स्क्वायर ये कॉस
कॉस टी, और डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर डी टी, ये और ये कट गया, यानी कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी क्या हो जाएगा ना साइन टी प्लस सी, यानी साइन टी टी की जगह क्या हो जाएगा ना वन बाई एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। तो बताना कैसा रहा वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे क्या होगा आपका 31 से लेके 15 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।